और सीधा रुख करते हैं अब इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। आज दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पहले फेज में सोहना से दौसा के बड़कापाड़ा तक यह निर्माण हुआ है। 246 किलोमीटर की परियोजना में 17,112 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। धनावड़ गांव में जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। तो पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा और इससे अब दिल्ली से लेकर के जयपुर तक की दूरी बहुत कम हो जाएगी। जहां पहले आपको अधिक समय लगता था, वो वक्त अब बहुत कम हो जाएगा। इसके उद्घाटन के साथ ही निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से होगा। 240 किलोमीटर की परियोजना में तकरीबन 17,112 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसके बाद धनावड़ गांव में एक जनसभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। तो लगातार 2014 के बाद से ही देखा जा रहा है कनेक्टिविटी को लेकर के केंद्र काम कर रही है और इसको विकास पर फोकस किया जा रहा है। आज दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पहले फेज का ये उद्घाटन होगा। तो ये पहले फेज में सोहना से दौसा के बड़कापाड़ा तक ये निर्माण हुआ है। और अब बड़ी खबर मथुरा से है। मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की बैठक होने जा रही है। मथुरा वृंदावन के प्रमुख साधु संत इस बैठक में शामिल रहेंगे। महामंडलेश्वर वकील स्थानीय लोग भी इस बैठक में रहने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर यहां रणनीति बनेगी और अहम दस्तावेजों को लेकर भी आमंत्रण किया जाएगा। रामचरित मानस सनातन धर्म पर बयानबाजी रोकने पर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जो जुड़े हुए अहम दस्तावेज हैं उन पर भी मंथन होने जा रहा है। इस बैठक में साधु संत रहने वाले हैं, महामंडलेश्वर रहेंगे, वकील मौजूद रहने वाले हैं और इसी के साथ स्थानीय लोग भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो मथुरा में आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो मथुरा में जन्मभूमि का धर्म संसद, अब आप जान लीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए ये बैठक यहाँ पर हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मथुरा वृंदावन के प्रमुख संत रहने वाले हैं। महामंडलेश्वर इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे, मथुरा के वकील और इसी के साथ स्थानीय लोग इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए रणनीति यहाँ पर बनेगी और मामले से संबंधित अहम दस्तावेजों पर भी यहाँ विशेष तौर पर मंथन किया जाएगा। ऐतिहासिक दस्तावेज राजस्व और धर्म ग्रंथों के बारे में भी यहां मंथन होगा। रामचरितमानस और सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी को रोकने के लिए भी यहां पर चर्चा होने वाली है। तो आज बड़े मुद्दों को लेकर के ये बड़ी बैठक यहां होने जा रही है। इस बैठक में साधु संत मौजूद रहने वाले हैं, मथुरा के वकील रहेंगे, स्थानीय लोग भी इस बैठक में वहां पर मौजूद रहेंगे, महामंडलेश्वर इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले इस बड़े बैठक का आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए इस बैठक का आयोजन, अब बड़ी रणनीति इस बैठक में बनेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।